बघेल, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आइए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे इंग्लिश भाषा के अंदर हमें क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कैसे करना है, यानी हाउ टू यूज क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो हमने जितने भी पिछले वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने हमेशा एक्शंस की बात की है। एक्शंस में हमने पांच टाइमिंग की बात की थी और वो पांच टाइमिंग में हमने सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत करने के लिए उन्हें यूज कैसे करना है। आई होप आपने उसका अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आपको वो समझ भी आ गया होगा, राइट। एंड साथ में हमने ये भी जाना था कि जब किसी बात के लिए हमें डाउट होता है तो उसे कन्फर्म करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा उस पर रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी पांच टाइमिंग होती है और पांच टाइमिंग के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो डूअर टाइमवर्ड एक्शन होता है। बोल दीजिए मेरे साथ एक बार, डूअर टाइमवर्ड एक्शन। एक बार फिर से बोल दीजिए, डूअर टाइमवर्ड एक्शन। ये डूअर वो व्यक्ति जो काम करेगा, टाइमवर्ड मतलब जो समय की बात करेगा, राइट। वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या रहने वाला है। एंड एक्शन जो हम काम करते हैं, राइट। इसी तरह से हमने जाना था कि जब कभी मेरे दिमाग में कोई डाउट आता है और मुझे किसी चीज को कंफर्म करना होता है तो कंफर्म करने के लिए मेरे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने बताया था आपको, यस, वही स्ट्रक्चर जिसमें हम टाइमवर्ड को आगे लाने वाले हैं। यानी हमारा जो नया स्ट्रक्चर रहने वाला है कंफर्म करने के लिए वो क्या रहने वाला है, टाइमवर्ड डूअर एक्शन। यानी टाइमवर्ड हम आगे लिया तो टाइमवर्ड डूअर एक्शन। बोल दीजिए एक बार फिर से, टाइमवर्ड डूअर एक्शन। टाइमवर्ड सिर्फ कंफर्म करने से बात नहीं बनती है, राइट। अगर बातचीत को आगे बढ़ाना है तो हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं, हमें बातचीत को आगे बढ़ाना है तो हमें प्रश्न पूछने पड़ते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, राइट, और मेरे सामने वाली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो मुझे देख के मुस्कुराया, मैं उसे देख के मुस्कुराया, हमारे बीच में बातचीत होना शुरू हो गई, तो हम लोग जनरली क्या पूछते हैं सबसे पहले, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो भाई साहब कहाँ जा रहे हो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। तो जब हमारी बातचीत और बढ़ती, कहाँ से आ रहे हो, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपका क्या नाम है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप क्या करते हो, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, यानी सामने वाले व्यक्ति से मैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ। जानकारी एकत्रित करने को हम लोग बोलेंगे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो सूचनाओं को कलेक्ट करना। तो अगली सीरीज में हमारा आने वाला है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वो स्पेशल वर्ड्स जिनके माध्यम से हम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर हमें बातचीत को आगे बढ़ाना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। कंफर्म करने के लिए मेरे पास स्ट्रक्चर था टाइम वर्ड डूअर एक्शन। क्या था, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं, हमें क्वेश्चन पूछना है, और क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं, राइट। क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की बात करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एक्शन। बोल दीजिए मेरे साथ, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एक्शन, राइट। तो हमें जब किसी से प्रश्न पूछना है, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना है, जानकारी चाहिए, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एक्शन, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया है जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं और आपको वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपकी डे टू डे लाइफ में, राइट। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड आता है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, थिंग, यानी चीज, किसी चीज के बारे में हमें जानना है। तो थिंग यानी किसी चीज के बारे में जानना है, तो वो चीज के लिए हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो क्या आता है, व्हाट। क्या आता है, व्हाट। जैसे आपने आज सुबह क्या खाया, आपने आज सुबह क्या खाया, मतलब क्या, मतलब वो चीज के बारे में मैं जानना चाहता हूं, क्या, राइट। तो वो चीज के बारे में जानना चाहता हूं तो वो क्या हो गया मेरे पास, व्हाट, यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसी तरह से आप क्या करते हो, किस चीज में डील करते हो, आपका काम काज क्या है, राइट, तो क्या हो गया अगेन, व्हाट। आप अभी क्या किया है आपने, यानी अगेन व्हाट। आप क्या पहनते हो, यानी कि अगेन व्हाट। तो हम देख पा रहे हैं कि थिंग्स के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, व्हाट, राइट। तो इसे हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया हुआ है, राइट। आप ग्रेजुएट हो, आप 10+2 हो, आप 10th हो, क्या हो, राइट। सो व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया हुआ है, इन एजुकेशन, तो आपने पढ़ाई लिखाई में क्या किया हुआ है, राइट। इसी तरह से हम पूछते हैं, व्हाट्स योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। इन द सेम वे आपसे पूछते हैं, आज आपने क्या खाया ब्रेकफास्ट में, व्हाट हैव यू टेकन इन ब्रेकफास्ट, राइट। तो इन सारी चीजों में हम देख पा रहे हैं कि हम किसका यूज कर रहे हैं, व्हाट का। और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, देन हमारा टाइम वर्ड आ रहा है जिस टाइमिंग में हम बात कर रहे हैं, देन डूअर यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यू, एंड एक्शन जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए इस सीरीज में अगला सीखते हैं, हमारे पास आता है प्लेस, यस। मैं जानना चाहता हूं आप कहां से आ रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं,
आप कहाँ रहते हैं, राइट। तो कहाँ मतलब प्लेस, प्लेस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास टाइम वर्ड है वेयर, राइट। तो वेयर की बात करूं, सो वेयर कमिंग फ्रॉम। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये काम मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं भी कहीं जा रहा हूँ, ये व्यक्ति भी कहीं जा रहे हैं, और जब ये व्यक्ति कहीं जा रहे हैं तो उस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि ये आ भी कहीं से रहे हैं, मतलब काम लगातार चल रहा है, काम लगातार चल रहा है, तो हमारा टाइमिंग जाता है प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस का जो टाइम वर्ड है हमारा क्या है, इज आर एम एंड एक्शन में आई एन जी, राइट। तो मैंने पूछ लिया वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और आप कहां जा रहे हैं, वी आर यू गोइंग, सिंपल, राइट। इन द सेम मैनर मेरे पास नेक्स्ट आता है टाइम, जब मुझे टाइम के बारे में बात करना है, राइट। टाइम मतलब समय, आप कब आते हो, कब उठते हो, कब जाते हो, राइट। लास्ट टाइम यहां कब आए थे, राइट। सो कब के लिए, टाइमिंग के लिए मेरे पास जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो आता है व्हेन, क्या आता है व्हेन। सो आप मुझसे कब मिले थे, आप मुझसे कब मिले थे, When did you meet me? आपने मुझे कब बुलाया? When did you call me? आप कब खेलते हो? When do you play? तो हम देख रहे हैं जैसे ही मैंने टाइमिंग को चेंज किया उसके अकॉर्डिंग मेरा टाइम वर्ड चेंज हो गया, राइट। तो टाइम वर्ड पे और टाइमिंग पे हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, फाइव टाइमिंग्स पे, तो उस पर हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड आगे बढ़ते हैं उसी सीरीज में, तो हमारे पास आता है रीजन, यानी कारण। आज हम घर में क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है, आज हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, क्या कारण है। तो why are you learning English? So why are you learning English? मतलब आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, मैं आपके इंग्लिश सीखने के पीछे वो कारण पूछना चाहता हूं। इन द सेम मैनर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि सर आप ऑनलाइन वीडियो क्यों बना रहे हैं, वो कारण है, मैं क्यों बना रहा हूं ऑनलाइन वीडियो, राइट। सो why are you making these videos? Why are you recording the classes? Right? Why are you coming here? आप यहाँ क्यों आ रहे हो, आप यहाँ क्यों आते हो, Why do you come here? Right? तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि रीजन जानने के लिए हमारे पास क्या वर्ड आता है, why. Why के बाद हम बात करते हैं मैनर, तरीका, काम को करने का तरीका, मैनर। वो मैनर मतलब तरीका, क्या होने वाला है, राइट। सर आप क्लास कैसे शूट करते हो, सर आप एडिट कैसे करते हो, सर आप क्लास कैसे बनाते हो, राइट। आपने सवाल कैसे हल कर दिया, राइट। आपने इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर दिया, राइट। तो वो तरीका मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस तरीके की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंफॉर्मेटिव वर्ड क्या है, हाउ, क्या है, हाउ। सो हाउ मैं जानना चाहता हूं आपने ये सवाल को हल कैसे कर दिया, सो हाउ हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। आपने बाइक कैसे चलाई, हाउ डिड यू राइड द बाइक, राइट। सो हाउ डिड यू राइड द बाइक, आपने बाइक कैसे चलाई, राइट। जब मुझे मैनर की बात करनी है, तरीके की बात करनी है, आपने खाना कैसे बनाया, आपने चाय कैसे बनाई, राइट। तो कैसे की जब हम बात करेंगे तो हमें हाउ का यूज करना है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन के लिए, तो पर्सन मतलब वो व्यक्ति जिसके साथ हम खेलते हैं, जो हमारे साथ खेलता है, राइट। यानी मान लीजिए मैं घर में हूं और दरवाजा नॉक होता है तो मम्मी पूछती है देखो कौन है, तो कौन है, हु इज देयर, तो हु इज देयर मतलब पर्सन के लिए जो मेरे पास क्वेश्चन वर्ड आने वाला है वो क्या है, हु। तो हु इज देयर, Who is knocking at the door? Who is calling you? आपको कौन बुला रहा है, राइट। अच्छा आप किसके साथ टहलने जा रहे हो, Who are you going for walk? And last में with, right? किसके साथ, जब हम साथ की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया Who are you going for walk with, right? और आप कौन आपके साथ जा रहा है, So he is, who is going with you, राइट। तो आप इसी तरह से बात कर पाएंगे। तो चलिए हम हु पे और सेंटेंस सीख लेते हैं। तो आपको कौन डांटता है, तो कौन डांटता है यानी वो पर्सन की बात कर रहे हैं और वो एक ही होगा, तो हु स्कॉल्ड्स यू। इंग्लिश में डांटना स्कॉल्ड होता है, स्कॉल्ड में हम एस लगाएंगे क्योंकि हमारा हु होता है वो सिंगुलर होता है, राइट। तो हु स्कॉल्ड्स यू, आपकी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू। आपको कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश, राइट। आपको गाइड कौन करता है, हु गाइड्स यू। आपके लिए महसूस कौन करता है, हु फील्स फॉर यू, राइट। आपको खाना कौन देता है, हु फीड्स यू, राइट। अब मैं पूछ रहा हूं कि आप स्कूल किसके साथ जाते हो, हु डू यू गो टू स्कूल विद, राइट। आप किसके साथ खेलते हो, हु डू यू प्ले विद, राइट। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइमिंग। नेक्स्ट टाइमिंग आता है हमारा एग्जैक्ट टाइमिंग, यानी कि आपने मुझसे पूछा कि आप स्कूल कब जाते हो या छुट्टी कब लेते हो, तो मैंने कहा छुट्टी मैं लेता हूँ संडे को लेता हूँ,
स्कूल कब जाते हो? मैं डेली स्कूल जाता हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ आप स्कूल कितने बजे जाते हो? क्या मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप स्कूल कितने बजे जाते हो? ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि स्कूल कितने बजे जाते हो, तो वह एग्जैक्ट टाइम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो समय जानना चाहता हूँ, उतने टाइम आप उठते हो, उतने टाइम आप काम करते हो, राइट? तो वो टाइम आपसे जानना चाहता हूँ। उस टाइमिंग की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन वर्ड आता है व्हाट टाइम। बोलिए व्हाट, व्हाट मत बोलना किसी की व्हाट लग गई, ऐसा नहीं बोलना है, व्हाट, व्हाट टाइम। सो मैं जानना चाहता हूँ आप कितने बजे उठते हो आजकल, व्हाट टाइम डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जल्दी सुबह आप कितने बजे उठते हो, राइट? व्हाट टाइम डू गो फॉर वॉक, आप टहलने कितने बजे जाते हो? व्हाट टाइम डू यू डू प्राणायाम, आप प्राणायाम कितने बजे करते हो? व्हाट टाइम डू गो टू स्कूल, राइट? आप कितने बजे स्कूल जाते हो? तो वो टाइम मैं जानना चाहता हूँ, वो एग्जैक्ट टाइम मैं जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास वर्ड है व्हाट टाइम। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटिटी, मतलब मात्रा, राइट? यानी वो चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तोल सकते हैं, राइट? तो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है और जानते हैं कि हमारे बेसिक एसेंशियल्स भी हमें मिल पाना काफी मुश्किल हो रहा है, जिसमें फ्लोरेटिंग टास्क हो गया है ना? तो मैं जानना चाहता हूं कि आटा है आपके पास? तो वो कहता हाँ सब है। ओके, कितना मिल जाएगा? तो कितना मतलब हाउ मच, तो हम बात करें हाउ मच, हाउ मच विल यू गेट मी, आप मुझे कितना दे दोगे, राइट? सो पाने के लिए, लेने के लिए हमारे पास वर्ड होता है गेट, सो हाउ मच विल यू गेट मी, राइट? हाउ मच विल यू गेट मी, उन्होंने कहा मैं 5 किलो दे दूंगा, ठीक है, तो कितना हो गया अमाउंट, अमाउंट मतलब कितना पैसा हो गया, 5 किलो आटे के बदले मुझे कितना पैसा आपको देना है, तो हाउ मच विल यू टेक, आप कितना लोगे 5 किलो का, राइट? सो हाउ मच हम बात करते हैं क्वांटिटी के लिए, ऑलवेज क्वांटिटी, राइट? सो हाउ मच डू गेट मनी, हाउ मच डू गेट मिल्क, हाउ मच डू गेट ब्रेकफास्ट, राइट? तो हाउ मच की हम बात करेंगे हमेशा क्वांटिटी के लिए, ठीक है जी। चलिए इसी सीरीज में हम आगे बात करते हैं नंबर्स, नंबर्स की बात करें तो हाउ मैनी, राइट? हाउ मैनी मैंने कहा आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो हाउ मैनी के साथ मैंने फ्रेंड्स लगा दिया, डू यू हैव लगा दिया, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, राइट? ओके, आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, राइट? सो हाउ मैनी की हम बात करेंगे नंबर्स के लिए, तो पेंसिल्स को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, राइट? ड्रेसेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो हमें हाउ मैनी का यूज करना है, ठीक है जी। ओके, तो अगली सीरीज में हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार, बारंबार, लगातार, राइट? तो मैं देखता हूँ मेरा दोस्त है और वो दोस्त हर दिन नए कपड़े पहनता है, मैं कहता हूँ भाई ये नए कपड़े कहाँ से लाता है, मैं सदर से लाता हूँ, अबे तो महीने में कितनी बार कपड़े खरीदता है, राइट? इन द सेम वे मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त है वो सदर में अटका रहता है, राइट? और जब भी मैं मिलता हूँ मैं पूछता हूँ उससे, भाई तू सदर कितनी बार आता है, राइट? तो कितनी बार, यानी वो फ्रिक्वेंसी, कितनी बार, कितनी बार आता है, कितनी बार जाता है, कितनी बार खाता है। तो कई बार आज की डेट में तो सब लोग घर में यही पूछ रहे हैं, भाई कितनी बार खाता है तू, खाते रहता है, राइट? सो हाउ मेनी टाइम्स, राइट? तो एक तरीका तो ये है हाउ मेनी टाइम्स, पर एक तरीका है हाउ ऑफन। तो हाउ मेनी टाइम्स भी ठीक है, आप हाउ मेनी टाइम्स का यूज कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड है हाउ ऑफन। तो द हाउ ऑफन, हाउ ऑफन डू यू गेट पॉकेट मनी, हाउ ऑफन डू यू टेक मील, हाउ ऑफन डू यू टेक, how often do you eat, how often do you go to market, right, how often do you play in a day, एक दिन में कितनी बार खेलते हो यार, कितनी बार खाते हो यार, कितनी बार जाते हो यार, right? So इस तरह से हमें बात करनी है, how often, तो मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है, अपने घर में बात करनी है, so how often do you ask for help, आप कितनी बार मदद मांगते हो एक दिन में, right? So how often do you practice, how often do you learn, right? सेंटेंसेस, हाउ ऑफन डू यू प्रैक्टिस सम्स, है ना? तो आप कितनी बार सम्स की प्रैक्टिस करते हो, कितनी बार इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं डिस्टेंस की, राइट? डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। आपके स्कूल कितनी दूर है, आपका घर कितनी दूर है, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है, बस स्टॉप कितनी दूर है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं और पूछते हैं किसी व्यक्ति से, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के लोग अगर साउथ इंडिया में जाते हैं और साउथ इंडिया में वहाँ के लोगों को साउथ लैंग्वेज आती है या फिर इंग्लिश आती है, तो हमें साउथ तो नहीं आती लेकिन हम इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं, तो क्या पूछेंगे, हाउ फार,
हाउ फार इज, तो हाउ फार बोल दिया हाउ फार, राइट। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर। अब जैसे मैं जाना चाहता हूं यहां से मेरा स्कूल कितना दूर है, हाउ फार, या तुम्हारे स्कूल कितना दूर है, सॉरी हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, हाउ फार इज ताजमहल फ्रॉम हियर, हाउ फार इज आगरा कैंट फ्रॉम हियर, हाउ फार इज रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, है ना। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, राइट। तो वो जो दूरी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करने वाले हैं, हाउ फार की। क्लियर हो रहा है, चलिए। सो हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है। हाउ फार इज योर कोचिंग फ्रॉम योर होम, आपके घर से आपकी कोचिंग कितना दूर है, राइट। चलिए तो अब हम बात करते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पिछली वीडियो में हमने जाना था यूज ऑफ सिंस, राइट। एक सेंटेंस में मैंने बोला था आई एम टीचिंग, और एक सेंटेंस बोला था आई बीन टीचिंग फॉर मोर देन 8 years, या फिर सिंस 2011, राइट। तो उस कंडीशन में हमने क्या जाना था कि मैं ओरिजिन ऑफ टाइम बताया था, ओरिजिन ऑफ टाइम के बारे में बात की थी कि उस समय से जब से मैं काम कर रहा हूं, राइट। उस समय से जब से मैं काम कर रहा हूं तो वो होगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा सीखना जरूरी है हमारे लिए। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है हाउ लॉन्ग, क्या आता है, हाउ लॉन्ग। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। अच्छा अब बात करनी है हाउ लॉन्ग के साथ, हमें हैव यू बीन की ही बात करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो ओरिजिन टाइम चाहिए हमें, वो लंबा पीरियड चाहिए जब से हम वो काम को कर रहे हैं, तो उस पीरियड को यूज करने के लिए हमें सिंस फॉर का यूज करना पड़ता है, और सिंस फॉर का यूज करना पड़ता है तो हैज बीन, हैव बीन का यूज करना ही पड़ेगा, राइट। तो बोलिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्टिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हो, राइट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टिचिंग, आप कब से सिलाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिपेयरिंग मोबाइल, आप कब से मोबाइल रिपेयर कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेंडिंग शूज, आप कब से जूते संभाल रहे हो, यानी कोबलर, यानी मोची का जो काम होता है। तो मैंने देखा कि एक मोची है और वो काम कर रहा है, मैंने उससे पूछ लिया आप कब से जूतों को सिलने का काम कर रहे हैं, राइट। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेंडिंग शूज, तो मैंने हाउ लॉन्ग के साथ में हैव यू बीन लगाया, राइट। तो हैव बीन हमारे पास टाइम वर्ड होता हैव बीन टाइम वर्ड के बीच में हम यू का यूज करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, तो आप कब से पढ़ा रहे हो, अगर आपको मुझसे पूछना है सर आप कब से पढ़ा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्सनिंग। So how long have you been teaching English? How long have you been going to market? How long have you been coming here? How long have you been doing exercise? How long have you been playing cricket? How long have you been working? How long have you been? So how long have you been करके हम बात करेंगे, तो इस तरह से हमारे 12 क्वेश्चन वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, बस आपको जरूरत है तो इन पर प्रैक्टिस करने का। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, होमवर्क यही है कि आप हर क्वेश्चन वर्ड पे 5-5 सेंटेंस जरूर बनाइए, ठीक है ना। अपन सेंटेंस बना करके पहले उसे लिखिए, दैन उसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जिससे आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे और अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। हमारी ऑफलाइन क्लास में हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस कराते हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसका, आई होप आपको ये समझ में आएगा। कोई भी कहीं भी दिक्कत आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, राइट। एंड पिछली वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपने वाकई में इंग्लिश सीखनी है तो एक एक वीडियो को दोबारा से देखिए, ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए, जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएंगे, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, राइट। से आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।